फोन उठाते हो और रील्स देखते हो और हर लोग अपने घर का सारा काम उठाते हैं, फोन उठाते हैं और रील्स बनाते हैं, जैसे तुम जैसे खाली लोग। अच्छा तो भाई मैं तो चली मूवी देखने, आप लोग जा कर के शॉर्ट्स देखना और हंसना इंजॉय करना, काफ़ी फ़नी शॉर्ट्स हैं। और अच्छा कोल्ड हो गया है, सिकंजी क्या पी लिया, और जुकाम ही हो गया, मतलब जब जब मुझे कहीं जाना होता है ना तब तब मेरे साथ स्यापा होता है कुछ ना कुछ। और फ़िलहाल चल दिए हैं हम मूवी देखने, थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा। और हम जा रहे हैं यहाँ पर मजलिस पार्क, मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो नज़ारा कितना खूबसूरत है और दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा दिन है आज। और आज है ईद का दिन, तो भाई चांद देखना तो बनता ही बनता है, और बिल्कुल सही टाइम पे हम लोग पहुँचे, चांद एग्जैक्ट नज़र आ रहा था, बट मैं फ़ोन में अपने कैप्चर नहीं कर पाई, बट हाँ इमेजेस मेरे पास आ चुकी है, मतलब छोटा सा एक वीडियो है आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ मैं। और क्योंकि यार थोड़ा सा जल्दी में थे, मूवी हमारी निकल जाती इसलिए हम जल्दी जल्दी भागे और कैप्चर नहीं कर पाई थी, बट हाँ आँखों से मैंने ज़रूर देख लिया था ईद का चांद। और ये हम जा रहे हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन, अंदर पहुँच चुके हैं मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आने वाली है और ये देखो आ भी गई। पिंक लाइन हमने ली है यहाँ से, पिंक लाइन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है मूवी देखने भाई, क्योंकि मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि एंड टाइम पे याद आते हैं कि भाई एंड टाइम पे हम लोगों का प्लानिंग हुई चलो मूवी देखने चलते हैं, तो उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि कहीं दूर मतलब जा पाए, तो बस पास में शालीमार बाग चले गए। अच्छा इस मॉल में पहले मेरा एक शूट हो चुका है, विंटर में जब मैं आई थी शूट पे तब इसी मॉल में शूट था, और इस मॉल में बहुत पहले आई थी यार, 5 साल पहले मैं इस मॉल में आई थी। मैं बोल रहा हूँ। ओहो भाई जान, टीम नहीं आई, तुम आ गए। भाई मैं दूसरों के लिए हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ चांद। अब तक कवा रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में जरा सी भी शादी नहीं की मैंने। सुना है इस बार ईद पे पूजा होगी। जब चांद यहाँ पर है तो होगी ही ना। चेहरा कब दिखा रही हो? ये देखो ऐसे कौन पार्क करता है गाड़ी।
आप समझ गए होंगे कि मूवी कैसी है और आपको अब तक रिव्यूज़ भी मिल चुके होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप पक्के वाले फ़ैन हो तो ही आप मूवी देखने जाना, अदरवाइज़ मत जाना। टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद मत करना जा करके वहाँ पर, क्योंकि यार ना तो इस मूवी में सस्पेंस है और ना ही फन है।